इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर अपनी उंगली दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं कुंभ राशि वालों का मासिक फल जुलाई का आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो अपलोड हो रही है कुंभ राशि की मंथली प्रेडिक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ राशि का जो जुलाई का महीना है वो कैसा रहेगा। बहुत से दर्शक जो हैं ये सोच रहे होंगे कि हमारा महीना कैसा बीतेगा। तो आज 5 तारीख है, तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आज शुक्र जो है कुंभ राशि को सीधा देख रहा है, क्योंकि सिंह राशि में ऑलरेडी वो प्रवेश हो चुका है। तो कुंभ राशि का जो पिछले 15-20 दिन से रोग का टाइम और इनकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम खड़ी हुई हुई थी वो अब ठीक हो जाएगी। शुक्र आज से राहु के चंबल से बाहर आ चुका है। शुक्र की स्थिति इतनी शुभ हो चुकी है कि अब शुक्र जो है अपना शुभता दिखाते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये इस मंथ में कुंभ राशि वालों का महीना बहुत ही शुभ जाने वाला है, क्योंकि शुक्र की स्थिति सातवें घर में सिंह राशि में होने से लगन को देख रहा है, जो कि इनकी पर्सनैलिटी में इस महीने 4 चांद लगा देगा। शुक्र जिन जो कवारे हैं, जिन्होंने अभी शादी नहीं की, वो अपनी लव मेट के साथ अपने संबंध अच्छे बना सकते हैं और उनको फ्राइडे को कोई फ्लावर गिफ्ट कर सकते हैं इस महीने में। और जिनकी बातचीत बीच में अटकी है लव मेट की, उनकी बातचीत बहुत अच्छे से बन जाएगी। और जो शादीशुदा हैं लोग हैं, उनकी भी शुक्र की स्थिति शुभ होने से उतनी उनकी पत्नी के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र 7th हाउस में बैठने से उनके रोज़गार में भी तरक्की देगा और धन की प्राप्ति होगी इस महीने। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आज मीन राशि में बनी हुई है और उधर से बुध राहु 6ठे घर में बैठे हुए हैं। बुध राहु 6ठे घर में बैठने से बुध की स्थिति थोड़ी ख़राब है। कम्युनिकेशन इस महीने अपना पूरा अच्छा से ठीक रखें, क्योंकि बुध की एक तस्वीर होती है कि बुध जिसके साथ बैठता है दर्शकों, उसी का वो बन जाता है, क्योंकि नपुंसक एलिमेंट आता है बुध का। अगर वो राहु के साथ बैठेगा तो राहु की जैसी चीज़ें करेगा, अगर गुरु के पास बैठेगा तो गुरु जैसी चीज़ें करेगा। तो बुध हमारा मीडिया है, हमारा कम्युनिकेशन विभाग है, तो इस समय आप अपने मुंह से कोई ऐसी बात मत निकालिए जिससे कि ये महीना ख़राब जाए, क्योंकि बुध अपनी कर्क राशि को इस महीने तक पूरा खींचेगा। क्योंकि बुध 28 तारीख को कर्क राशि में फिर दोबारा से वक्री हो जाएगा, तो बुध की स्थिति कर्क राशि में इस ये महीना पूरी बनी रहेगी। हम आपको बताते हैं कि सूर्य की स्थिति इस महीने की 16 तारीख को कुंभ राशि की 6ठे घर में आ जाएगी। सूर्य अपना मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में एंटर कर जाएगा। कर्क राशि में एंटर करने से उनको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग अपने कार्यक्षेत्र फॉरेन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उनको इस महीने फॉरेन से आमदनी आने की संभावना बन रही है, क्योंकि मंगल और सूर्य समसत्तक योग बनाने जा रहे हैं और केतु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। राहु और सूर्य का संबंध इस महीने की 16 तारीख के बाद एक राहु के ऊपर सूर्य के साथ बैठने से ग्रहण योग भी बनता है, जिससे इनके पिता की हेल्थ अचानक से डाउन जा सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। पिता की सेहत को ये ठीक रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, पिता की सेवा करते रहिए, क्योंकि सूर्य राहु के साथ बैठने से इनका पिता की हेल्थ प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब दर्शकों, बात करते हैं कि इस जैसे 18 तारीख को जो आपका है गुरु है, वो तीसरे चरण में स्वाति नक्षत्र में
पैर रखेगा, क्योंकि 11 जुलाई से जो गुरु की स्थिति शुभ होने जा रही है, तो कुंभ राशि वालों के बहुत सारे काम जो अटके हुए थे वो इस महीने बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति भाग्य स्थान पे बहुत शुभ बनी हुई है। अब जो पिछले 2 महीने से कार्य क्षेत्र में कमी या रुकावट आ रही थी वो अब बनने जा रहे हैं। इनको चाहिए कि धर्म स्थल पर जाकर किसी मंदिर में कुछ अनाज गिफ्ट दान कर सकते हैं वीरवार को, या पीले लड्डू 2 गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। इससे गुरु की स्थिति शुभ बनती चली जाएगी। गुरु की स्थिति भाग्यस्थान में होने से इनको जो भी कार्य ये कर रहे हैं उसमें फल की प्राप्ति होगी, शुभ फल की, क्योंकि पंचम दृष्टि गुरु की मंगल पर पड़ने से मंगल जो कि इनका फौरन में बैठा है 12th हाउस में, खर्चों में बैठा है, वो अब खर्चों में कटौती करेगा। लेकिन गुरु अब स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में जा चुका है, गुरु ने अपना विशाखा नक्षत्र छोड़ दिया है जो कि उसका स्वयं का नक्षत्र है, तो गुरु की स्थिति थोड़ी सी अशुभ हो गई है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में गुरु कंफर्टेबल नहीं होता है। तो राहु के नक्षत्र में गुरु जब जाता है तो ऐसे लोगों को अपने खानों पीनों पर ध्यान स्पेशली रखना चाहिए। इस महीने में कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे उनका पेट डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों? उसका लॉजिक ये है, क्योंकि राहु ऑलरेडी 6th हाउस में बैठा हुआ है। गुरु जब स्वाति नक्षत्र में चल रहा है तो राहु को वो टारगेट करेगा, राहु ऑलरेडी 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो राहु के द्वारा कुंभ राशि वालों को महीने में हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इस महीने के अंत में काफ़ी स्थितियां इनकी सुधर जाएगी, क्योंकि गुरु उदित होता चला जाएगा टूवर्ड स्कॉर्पियो राशि। अब उसकी डायरेक्शन स्कॉर्पियो राशि में है, तो गुरु जब स्कॉर्पियो राशि सितंबर में जाएगा उससे पहले गुरु का प्रभाव 1 महीना पहले ही आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी प्रधानमंत्री USA का इंडिया में विजिट करना हो तो 1 महीना पहले से तैयारी हो जाती है। ऐसे ही ग्रह जब एक राशि दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसका मानसिक इफ़ेक्ट लोगों को 1 महीना पहले आ जाता है। तो ये महीना कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। इनकी शुभता और अच्छी होने के लिए इनको उपाय है, शनिवार को पीपल पे काले तिल जल में डाल के और उसमें कच्चा दूध डाल के चढ़ाना चाहिए, और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो दर्शकों, ये है कुंभ राशि का ये महीना जुलाई कैसा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको लाइक होगी और सब्सक्राइब भी जो करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।